शुरुआत करते हैं बरेली से। बड़ी खबर है जहां तौकीर रजा का एक बार फिर विवादित बयान देखने को मिला है। विवादित बयान दिया है मजारों पर हो रही कार्रवाई पर। रजा बोले हैं सरकार को हमारा गुस्सा झेलना पड़ेगा, हम आंदोलन करेंगे। तौकीर रजा ने यह बात कही है। लव जिहाद झूठा है, लव जिहाद है भगवा लव ट्रैप। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने उत्तराखंड में मजारों पर हो रही कार्रवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर सरकार हमारी मजारों की हिफाजत नहीं कर सकती तो हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। हमारे आंदोलन को झेलना पड़ेगा, हम उत्तराखंड जाएंगे, हमारे आंदोलन को झेलना पड़ेगा, हमारे गुस्से को झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने मजारात और अपनी मसाजिद की हिफाजत अगर तुम नहीं कर सकते तो हम अपनी मस्जिद और अपने मजार की हिफाजत खुद करेंगे। इन देशद्रोहियों का इलाज हुकूमत को करना चाहिए और अगर हुकूमत इलाज नहीं करती है तो फिर हम अपनी मस्जिदों अपनी दरगाहों की हिफाजत के लिए खुद बाध्य होंगे। लव जिहाद का जिन लोगों ने नाम दिया है असल में वो भगवा लव ट्रैप है जो बाकायदा मुहिम की शक्ल में चलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नौकरी दी जाएगी और इनाम दिया जाएगा मुसलमानों की लड़की लाने पर। हमारे यहां सख्ती से ये पाबंदी है, मैंने तो ये बात बार बार कही है, अपने उलमा की बैठक में भी ये बात कही है कि ऐसे किसी शख्स का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा जो हिंदू लड़का मुसलमान लड़की के इश्क में आएगा या मुसलमान लड़का हिंदू को लेकर आएगा, हिंदू लड़की को लेकर आएगा, उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको